हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल माऊ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि यूपी बोर्ड का जो भी सेंटर बना है इस बार, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, उसका लिस्ट कैसे निकालें, सेंटर कैसे देखें कि हमारा सेंटर कहाँ गया है या हमारे कॉलेज पर कहाँ का सेंटर आया हुआ है। यदि और भी किसी से रिलेटेड यदि वीडियो जानना चाहते हैं या सेंटर वगैरह से रिलेटेड, तो आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में प्रॉपर आपको दिखा दूंगा कि आप वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका सेंटर गया है। साथ में यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ट्रेन टिकट से पीएफ से रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक पर वीडियोज आती रहती है, जो कि आपकी डेली हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक यह था कि हम कैसे पता करें हमारा सेंटर कहाँ गया हुआ है, यानी हमारा कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज पर गया हुआ है। तो सिंपली आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद आपको सर्च करना है UPMSP। जैसे UPMSP लिखकर सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट वाली वेबसाइट क्लिक करेंगे तो वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट मोड में कर लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको यहीं पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्रॉपर, जैसे न्यू करके हाइलाइटेड है। जैसे यहाँ पर मैं आपको हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, परीक्षा वर्ष 2024 से संबंधित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की केंद्र निर्धारण सूची सेंटर नोटिफिकेशन, जो कि 26/12 को नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऊपर भी आप हाईलाइट देख सकते हैं, लिख करके आ रहा है कि परीक्षा वर्ष 2024 से संबंधित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की केंद्र निर्धारण सूची। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी एक नॉर्मल सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनल सेंटर लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सेंटर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। तो यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। कॉलेज नेम मिल जाएगा आपको सेंटर कोड के अनुसार, यहाँ पर देख सकते हैं, या कॉलेज नेम के अनुसार देख सकते हैं। ये कॉलेज नेम है और इसमें कितने छात्र आए हुए हैं पूरा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। टोटल 604 छात्र यहाँ पर जो कि हैं एग्ज़ाम देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी चेक कर सकते हैं। यदि ज़्यादा लंबी लिस्ट है तो फाइंड आउट करके भी चेक कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है सर्च वाले आइकन पर, अपने कॉलेज का नाम या कोड डाल करके सर्च करना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहीं पर हम सर्च करते हैं 1002। जैसे ही आप 1002 सर्च करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हाईलाइट हो जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो उस कॉलेज का सारा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लिस्ट निकाल लेंगे, और नहीं तो और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से मैं मॉडल पेपर प्लस ये सेंटर लिस्ट भी अवेलेबल करा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।